नमस्कार दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ग्रुप डी एग्जाम को लेकर एक बार फिर से एक नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों आपका 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट है, जो कि पहला फेज का यानी फर्स्ट फेज का एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट आपको फाइनल हो चुका है और 25 अगस्त तक फर्स्ट फेज का एग्जाम चलने वाला है। तो दोस्तों सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल हिंदी में देने वाला हूं कि आपका एग्जाम 17 अगस्त से स्टार्ट है तो आपका एडमिट कार्ड कब से आएगा और नोटिस में यह क्या क्या मेंशन किया गया है, बिल्कुल हिंदी में आज आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है सही जानकारी बहुत कम समय में। दोस्तों देखिए, यही नोटिस जारी किया गया है जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा, दोस्तों यह ग्रुप डी एग्जाम के लिए यहां पर देख सकते हैं। परीक्षा कार्यक्रम पर सूचना। एक, उपरोक्त सीईएन का सीबीटी कई चरणों में आयोजित किया जाएगा। तदनुसार परीक्षा का पहला चरण यानी चरण 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक आयोजित किया जाएगा, जो कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए समय समय पर जारी मौजूदा शर्तों और सरकारी दिशा निर्देशों के अधीन होगा। दो, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की लंबी दूरी की यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न आरआरसीएस को समूहबद्ध करके कई चरणों में सीबीटी की योजना बनाई गई है। इसलिए चरण पूरे भारत के विभिन्न शहरों में 3 आरआरसीएस अर्थात आरआरसीएस पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के समूह के लिए आयोजित किया जाएगा। 3, शेष चरणों आरआरसीएस की परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा नियत समय में की जाएगी। 4, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर और तारीख देखने और यात्रा प्राधिकरण को डाउनलोड करने के लिए लिंक को नवीनतम द्वारा लाइव किया जाएगा। 10 बजे 9 अगस्त 2022 को सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर। 5, ई कॉल लेटर की डाउनलोडिंग परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले शुरू हो जाएगी। परीक्षा शहर और तिथि सूचना लिंक में उल्लिखित है। 6, परीक्षा हॉल में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाएगा। उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है उनका मूल आधार कार्ड लेकर आएं। 7, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट, कृपया गुमराह न हो। प्रमाणित स्रोत। 8, उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ उम्मीदवारों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी पर आधारित होते हैं और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होती है। दिनांक 5 अगस्त 2022।